My dear students, good evening. Good evening to all of you. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में हाय लिखें, हेलो लिखें। एक चीज मैं कहूंगा मेरे बच्चों, आज से मैं आपको माय चैंपियंस बोलूंगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने अपने अनुसार चैंपियन होता है और उसमें वो क्वालिटी है कि वो किसी भी फील्ड का चैंपियन बन सके। आप सभी अपने अपने लाइफ के हीरोज हैं, इसलिए माय डियर चैंपियंस, माय डियर हीरोज, अगर हम और आप एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हैं एंड आप और हम मिलकर के उन ऊंचाइयों को छुएंगे जहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल फ्लाई करेगी। हमें उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उड़ान तक पहुंचना है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उड़ान तक पहुंचना है मेरे बच्चों, और पूरे आकाश को छूना है, समुद्र के उस गहराइयों तक जाना है जहां से कोई भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसे सॉल्व कर पाए। और करियर पॉइंट देखिए, आप सभी लोग इस चैनल पर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप देख सकते हैं कि मैं कितना एनर्जी के साथ आपके साथ वर्क कर रहा हूं, तो मुझे भी आपकी तरफ से एनर्जी चाहिए। दो तरफा एनर्जी जो होती है मेरे बच्चों, आप विश्वास माने, टू वे एनर्जी। मैं आपको एनर्जेटिक रखूं, आप मुझे एनर्जेटिक रखें, इसलिए अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। नाउ वी आर मूविंग फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले पे हम बात कर रहे थे कल, सेक्शन फॉर्मूले का हम आज एप्लीकेशन करेंगे। कल हम जिस स्थान पे थे उसी स्थान से हम आगे बढ़ेंगे। आज कल हमने ये वर्कआउट किया था, लास्ट में जो लास्ट की स्लाइड थी उस पर मैं काम कर रहा हूं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन एक्स एल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑब्लिक लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एक्स वन कॉमा वाई वन एंड बी एक्स टू कॉमा वाई टू। तो मेरे बच्चों, हमने क्या क्या लिया था जरा ये बोलो। मैं आपके सामने कुछ चीजों को लिखना चाहता हूं, कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। प्लीज हम लोग बात करें, थोड़ा सा एक रिव्यू लें। प्लीज हम और आप इंटरेक्टिव काम करेंगे, हम लोग रिव्यू लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था एक वेरिएबल पॉइंट, देयर इज अ वेरिएबल पॉइंट आर, जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक रेशो लैम्डा इज टू वन में डिवाइड करता है। तो इस आर के कोऑर्डिनेट हमने पढ़े थे। हाँ बिल्कुल, आपको लिखना चाहिए और आपको बताना चाहिए, दैट इज लैम्डा एक्स टू। अगर ये लैम्डा इज टू वन में डिवाइड कर रहा है तो लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। देखो मेरे बच्चों, कोऑर्डिनेट पढ़ने का तरीका यही है कि हम और आप इसका रिव्यू भी करते चले, जो भी रिवीजन में हम ले सकते हैं हमें एक एक करके मैं आपसे पूछता जाऊं और आप फटाफट चैट बॉक्स में आंसर देते चले जाएं। अब सबसे पहली चीज आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा क्या बताया था मैंने? इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा क्या बताया था मैंने, बताइए प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इंटरनल डिवीजन के लिए हमने लैम्डा पे क्या बात किया था? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था फॉर इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या बताया था मैंने? हाँ बिल्कुल स्नेहा बिटिया, आपने बिल्कुल सही लिखा है।
लैम्डा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या बताया था, प्लीज एक्सटर्नल डिवीजन के लिए लेस देन जीरो, लेस देन जीरो इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, वेरी गुड। देखा, ये है फ्लाई। मैंने कहा था ना कि मैं आपको कोऑर्डिनेट में या पूरी मैथमेटिक्स में चैंपियन बना देता हूं, आप मेरा साथ दो, मजा आएगा यहां। बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने साथ साथ अपने दोस्तों से भी बात करो। करियर पॉइंट आपके लिए हर जगह पर अवेलेबल है। हाँ, इसके बाद ये वाला क्या था, मैंने जो बताया था एल एक्स कॉमा वाई विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, बताया था कल मैंने आपको। यस, हाँ आदित्य गुड इवनिंग, रेखा बेटा गुड इवनिंग। हाँ, अगर ये लाइन इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रही है तो उस रेशो को हमने कल निकाला था। यस यस, फटाफट फटाफट गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, व्हाट वाज दैट रेशो, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। अब आप ध्यान दीजिए, इसी को जब हमने यहां पे ध्यान से देखा तो हमने लाइन की इक्वेशन में बेसिकली x1, x इज रिप्लेस बाय x1 इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, x इज रिप्लेस बाय x1 एंड y इज रिप्लेस बाय y1, ओके। तो इसी को हमने कहा माइनस ऑफ l x1 कॉमा y1 अपॉन l x2 कॉमा y2। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, जिसका मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। बहुत अच्छा मेरे बच्चों, आज हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। आपका रिस्पांस मेरे लिए बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चों, ये था हमारा एक रिजल्ट जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे थे। अब अगर मैं उस चीज पर चलता हूं तो हमने इस चीज को इस पेज पर सॉल्व किया था कि आर एक वेरिएबल पॉइंट था विच इज फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल लाई ऑन द लाइन और कर्व। आज हम कर्व पे भी बात करेंगे, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल लाई ऑन द लाइन ऑब्लिक कर्व, वहां से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली थी। फिर उसके बाद हम चले थे आगे, इस नोट को मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूं, ध्यान देना मेरे बच्चों, मजा आएगा। बिल्कुल, सब्जेक्ट को मजे लेते लेते सीखना चाहिए। आप सबने थ्री इडियट देखी है? बिल्कुल, मैंने भी देखी है। आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि थ्री इडियट में एक बहुत अच्छी बात बताई थी, वैसे बहुत सारी बातें बहुत अच्छी थी लेकिन एक बहुत अच्छी बात बताई थी, काबिल बनो कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। तो हम वही काबिलियत को डेवलप कर रहे हैं। आप में से कई बच्चों का मुझे मैसेज आया है, उन्होंने वो चीज हासिल कर ली है। स्नेहा बता सकती है इस चीज को। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, ये है पॉइंट ए एक्स वन कॉमा वाई वन, ये है पॉइंट बी एक्स टू कॉमा वाई टू। अगर लाइन यहां है तो ये देखें आप, ये इंटरनल डिवीजन है, इसके लिए लैम्डा जब मैंने कहा माइनस एल एक्स वन कॉमा वाई वन डिवाइडेड बाई एल एक्स टू कॉमा वाई टू, तो इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा शुड बी फॉर इंटरनल डिवीजन। हाँ स्नेहा बिल्कुल, देखो मेरे बच्चों जो कुछ हम करते हैं अगर वो हम दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। स्नेहा आप इस चैट बॉक्स पे लिख सकती हैं कि कल के हमारी बातचीत के बाद आपको क्या फील हुआ और आपसे आज ये चीजें कैसे सॉल्व हुई, ठीक है? बिल्कुल विशाल, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। लैम्डा अगर लेस देन जीरो होना चाहिए इंटरनल डिवीजन के लिए, सॉरी इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो आप खुद बताइए कि ये ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, जब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, मतलब एक पॉजिटिव हो जाए तो दूसरा नेगेटिव हो जाए।
तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब अब सबसे बड़ी चीज है LX1, Y1 और LX2, Y2 है क्या? तो हम ये देखें LX, Y था क्या? इट इज AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स LX1, Y1, अब आप X के स्थान पे X1 रख दें, इन द प्लेस ऑफ Y पुट Y1, यू विल गेट X1, LX1, Y1। सिमिलरली वी विल गेट X LX2, Y2। और अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो मींस इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में आप देखें इस लाइन के एक तरफ ए है तो सेकंड साइड में बी है, इसी को हमने कहा कि इफ LX1, Y1 एंड LX2, Y2 आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, then definitely it will be internal division। और opposite side अगर है तो इन दोनों के sign opposite होंगे। अब उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो चीज लिखा है वो सबको पढ़ना चाहिए। स्नेहा ने जो लिखा है आप उसे पढ़ें, you will get motivation फ्रॉम हर। और अगर मैं इस पर बात करूं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, तो एक्सटर्नल डिवीजन में मेरे बच्चों ये ए है ये बी है, लाइन या तो इस साइड में होगी या लाइन इस साइड में होगी। अगर ये एल वन पोजिशन पर है तो ए और बी दोनों एल वन के राइट हैंड साइड में है, मतलब सेम साइड में, मतलब सेम साइड में है। और अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे तो लैम्डा को नेगेटिव होना चाहिए, हाँ या ना आदित्य? लैम्डा शुड लेस देन जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब या तो ये दोनों ही पॉजिटिव निकल के आए वैल्यूज रखने के बाद, या तो ये दोनों ही नेगेटिव निकल के आए वैल्यूज रखने के बाद। इट मीन्स LX1, Y1 and LX2, Y2 should be are of same sign. Same sign है तो वो same side में है। देखें आप, आज हम इसी चीज का, देखो ये तो मैंने आपको बताया था, आज हम इसी चीज का application करेंगे। आज अभी तक मैंने जो आपको कराया ये वो revision था जो हमने already कर लिया है, और coordinate में थोड़ा सा पूछ करके रिवीजन कराना बहुत जरूरी है। हम कुछ ऐसी क्लासेस भी रखेंगे मेरे बच्चों जहां पे हम पूरे के पूरे बेस का रिवीजन कर लें, एंड टू बी वेरी फ्रैंक वो क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब हम पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ रिवाइज कर पाएंगे। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, हम इससे आगे बढ़ते हैं। दैट इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस, find the ratio in which the line 2x minus 3y minus 5 divides the line joining two points AX 1,7 and B 7,-9। मुझे वो रेशो निकालना है। अब मैंने पढ़ लिया है मेरे बच्चों, इसके सॉल्यूशन में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था? lambda is minus LX1, Y1 upon LX2, Y2। It means आपके पास L क्या है? जो लाइन की इक्वेशन गिवन है दैट इज योर LX, Y। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज LX, Y। अब मुझे चाहिए लैम्डा, तो मेरा X1 है पॉइंट A के लिए, X1, Y1 1,7, पॉइंट B के लिए 7,-9, दिस इज योर X2, Y2। अब आप यहां पे वैल्यूज रख दें, मुझे पता है आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, प्लीज प्लीज वैल्यू निकालिए, मैं तो निकालूंगा ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वैल्यू निकाल के फटाफट से चैट बॉक्स पे डालो, फटाफट से,
और ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे चैंपियंस कितने बड़े चैंपियन हो रहे हैं। यू आर रियली चैंपियंस माय चैंपियन। आज से मैं आपको माय हीरोज एंड माय चैंपियंस वर्ड यूज करूंगा आपके लिए। यस, दिस इज योर L1.7 टू माइनस 21 माइनस 5, दिस इज योर माइनस 24। वॉट अबाउट द L7.-9? दिस इज योर 2×7 -3 -9 -5, तो 14, 27 -5, बताओ कितना आएगा ये? दिस इज योर 36। आप खुद यहां एनालाइज करें, जिस पर हमने बात किया था L1.7 इज -24, L7.-9 इज 36, मतलब दोनों अपोजिट साइन के हैं। अब आप जैसे ही यहां वैल्यू रखते हैं मेरे बच्चों, आपको क्या मिला देखें। दिस इज 2/3 मींस इंटरनल डिवीजन। मींस इंटरनल डिवीजन। प्लीज ध्यान दीजिएगा। और अब ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, शानदार। रश्मि, अंकित, सुधीर, रामनक, बिल्कुल आपने सबने सही लिखा। दिस इज 2/3। अनुष्का, रामनक, वेरी गुड, 2/3। आदित्य, 2/3। आप सभी के सभी वेरी गुड माय डियर चैंपियंस। अब हम बात करेंगे एक अगले क्वेश्चन पर, जो कि इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर करेगा आपके लिए। प्लीज क्वेश्चन पढ़ें। फाइंड द रेशो, मुझे रेशो निकालना है इन विच कर्व। अब की मैंने लाइन के स्थान पे एक कर्व दे दिया, जिसे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द पैराबोला। y² = x डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स A, 3, -1 एंड B, -3, -5। ऑल्सो फाइंड, पहले तो दो पार्ट है इसके, एक तो मुझे रेशो निकालना है, दूसरा मुझे उन पॉइंट्स को भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर कर्व कट्स द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। मुझे वो पॉइंट भी फाइंड आउट करना है जहां पर ये कर्व इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कट कर रहा है। अब देखो चीजें वही है। दिस इज द पॉइंट ए, 3, -1 एंड दिस इज द पॉइंट बी विच इज -3, -5। अब मैं कहूंगा लेट पॉइंट आर डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इन द रेशो λ:1। इन दैट केस व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर? आर के कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूं -3λ। यहां पे लिख दो λ:1, -3λ+3/λ+1, 5λ-1/λ+1। अब इसके बाद मैं क्या कहूंगा, याद करो वो पूरा कॉन्सेप्ट। हमने क्या कहा था, फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, सिंस लैम्डा इज नॉट फिक्स, अभी तक लैम्डा फिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट आर इज बेसिकली अ वेरिएबल पॉइंट। आई एम यूजिंग द वर्ड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस पॉइंट आर विल लाई ऑन द कर्व। किस कर्व पे? y² = x। अब आप यहां पर रखे y² = x,
यू विल गेट 5 λ − 1 upon λ + 1 whole square = −3 λ + 3 upon λ + 1. नाउ सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा. आप सॉल्व करें और लैम्डा की वैल्यू मुझे बताएं फटाफट. चैट बॉक्स में लैम्डा की वैल्यू बताइए फटाफट. निकाले निकाले फटाफट. सॉल्व करें. चैट बॉक्स चैट बॉक्स. विकास इज ऑल्सो देयर. वेलकम विकास. वेलकम टू एवरी वन माई चैंपियंस. ऑल ऑफ यू आर माई चैंपियंस. जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स माई डियर स्टूडेंट्स. आप जो लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं फटाफट से मुझे आंसर चाहिए. I want answer from your side. क्या आया? यहां से लैम्डा की मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी. वन इज लैम्डा इज 1/2 एंड अदर इज लैम्डा इज −1/7. इस लैम्डा इज 1/2. देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बिल्कुल सुधीर. लैम्डा 1/2 आ गया. बिल्कुल सुधीर. लैम्डा 1/2 मतलब ये बता रहा है इंटरनल डिवीजन. एंड फॉर दिस वैल्यू दिस इज योर एक्सटर्नल डिवीजन. दिस इज योर एक्सटर्नल डिवीजन. अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दें R में. यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आप चाहते हैं. और वो जो दो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो आप निकाल करके मुझे बताइए. वो आप निकाल सकते हैं. योर आंसर इज 1, 1 एंड 4, −2. Your answer is 1, 1 and 4, −2. अंकित ने पूछा है कि लैम्डा 1/2 और −1/7 कैसे आया. अंकित इस चीज को सॉल्व करो बेटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. इस चीज को सॉल्व करें अंकित. आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी. ओके अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. प्लीज देखो बहुत छोटी छोटी सी जो कैलकुलेशंस हैं वो मैं कई जगह करूंगा. कई जगह आपको थोड़ा करना पड़ेगा मेरे बच्चों. क्योंकि आप कुछ भी करें देखो मेरी टीचिंग वो है जिसमें आपका 11th भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा और एडवांस भी कवर होगा. फ्रॉम टॉप टू बॉटम 11th बोर्ड टू एडवांस. ओके इसलिए हर चीज में आपको सपोर्ट मिलेगा. बस चैंपियन है तो चैंपियन की तरह काम करेंगे. ठीक है. इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन IITian देन बिहेव लाइक एन IITian. हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे मेरे बच्चों. अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है. फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. दिस x − 4y − 7 = 0. अब मेरा जो इक्वेशन है Lx, y दिस इज योर x − 4y − 7. अब मैं L1, 2 निकालू मतलब पॉइंट ए. फॉर ए मैं लिख सकता हूं L1, 2 दिस इज 1 − 8 − 7.
दिस इज नेगेटिव। फॉर बी फॉर पॉइंट बी एल माइनस 3.1 रखें आप इसमें, पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव। अगर एल 1.2 और एल माइनस 3.1 सेम साइन के हो गए, मतलब ये दोनों सेम साइन है, यही पढ़ाया था अभी, इसी चीज को रिवाइज कराया था। और फॉर सी एल 1.-5 निकाले, दिस इज 1+20-7 विच इज पॉजिटिव। फॉर डी एल -3.-7 दिस इज योर -3, दिस इज पॉजिटिव। फॉर ई एल 2.3 दिस इज योर 2-12-7 विच इज नेगेटिव। अब आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं ए बी एंड ई आर ऑफ सेम साइड, या आर ऑफ वन साइड कह लें, सेम साइड की जगह वन साइड कह लें ज्यादा बेटर होगा, आर ऑफ वन साइड। एंड सी एंड डी आर ऑन अदर साइड, अदर साइड ऑफ ए बी एंड ई। अब आप ध्यान दें, बिल्कुल विकास आपने बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अब मेरे बच्चों देखो, यहां पर वैसे मैं कोलिनियरिटी में पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करूंगा, बट इस अगले क्वेश्चन में मैं बात करना चाहता हूं कि मुझे 3 पॉइंट्स गिवन है, ए इज 1.3, बी इज 0.2 एंड सी इज 1.5। ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ ए। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द दिस वन दिस इज द पॉइंट ए, लेट इट बी, दिस इज द पॉइंट बी, ये सी कहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी एयर मे बी एयर आई डोंट नो, बट मैं ये कह सकता हूं कि सिंस दे आर कोलिनियर, लेट सी डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशो लैम्डा इज टू 1। तो यहां मैं लैम्डा इज टू 1 रख दू, दिस इज योर 1.3, दिस इज योर 0.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, दिस विल बी योर 0 इंटू लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा 2 इंटू लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब आप देखें कि ये चीज मुझे दी गई है 1.5, मींस योर ए इज 1/λ+1 एंड 2λ+3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज 5। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम दिस, 2λ+3 इज इक्वल्स टू 5λ+5 मींस योर लैम्डा इज कितना आएगा, बताओ लैम्डा कितना आएगा। बिल्कुल विकास आपने सही आंसर निकाल के रख दिया है, लैम्डा इज -2/3। जैसे ही ये वैल्यू हम यहां रखेंगे, ए इज योर 1/-2/3+1 इज 3,
वेरी गुड माय डियर चैंपियंस, वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, शानदार परफॉर्मेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, जो हमने अभी बात किया था दैट इज बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला। अब बहुत सारे रिजल्ट्स इसमें हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा, वाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा, बट मैं ये चाहता हूं कि आप खुद सोचो, मैं ये चाहता हूं कि आप खुद सोचें कि एक्स एक्सिस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा। आप मान लेते हैं कि वो पॉइंट है लैम्डा इज टू वन में डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस का मतलब, हाँ बताया था मैंने एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, तो वाई कोऑर्डिनेट में रख दें आपको वो भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट में बहुत सारे आते रहेंगे जिनको मैं आपको कराता रहूंगा, बट हम इसमें आगे बढ़े, हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे बात करेंगे। कई चीजें बात हो रही है कि भाई एरिया जीरो कर देंगे, बिल्कुल सही बात है, हम एरिया को भी जीरो करेंगे, हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, बट चैप्टर प्रोसीड करेगा उसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। आप सभी जस्ट ट्यून विद मी, स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द स्लोप या ग्रेडियंट, आप स्लोप या ग्रेडियंट से समझते क्या है। देखिए, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन टेन थीटा इज नोन एज स्लोप ऑब्लिक ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ध्यान दीजिएगा, हम आज लाइन की कुछ फॉर्मेट्स पर भी बात करेंगे। जब मैं स्टार्टिंग में हूं, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन्स, दो फॉर्मेट के अलावा हम बाकी पांच फॉर्मेट्स पे बात करेंगे और उनका हम एप्लीकेशन करेंगे ट्राइंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में वर्कआउट करने का। उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है कि हम स्लोप, ग्रेडियंट और लाइन के फॉर्मेट्स के बारे में बात करें, इसलिए आज हम लाइन के बारे में भी बात कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन है मेरी, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल ले रही है थीटा, दिस इज नोन एज थीटा एंड योर स्लोप इज टेन थीटा, दिस इज डिफाइंड एज द स्लोप और द ग्रेडियंट, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। यहां पे हमारे कुछ कन्वेंशंस हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव। सेकेंड है हमारे पास इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा इज टेकन एज नेगेटिव। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन हूज स्लोप इज एम, दिस इज गिवन बाय वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यह है स्लोप पॉइंट फॉर्म। मेरा फिर से एक क्वेश्चन है, आपको भी पूछना चाहिए और मुझे बताना है कि यह आया कैसे। देखो, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करना यही मेरे इस क्लास का मकसद है। अब जब हम बात करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्मेट में, तो मेरे पास है एक लाइन, ये एंगल है थीटा और ये पॉइंट है गिवन पॉइंट P x1 कॉमा y1, और इस लाइन R पर
मैं एक वेरिएबल पॉइंट लूंगा इस लाइन पर, मैं एक वेरिएबल पॉइंट आर लूंगा विच इज एक्स कॉमा वाई। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो एक एक चीज जो मैं तुम्हें बता के आया हूं उसका कहां कहां यूज है। प्लीज, मैं एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट को एस लिखता हूं। मैंने आपको बता दिया है, आप चैंपियन बन चुके हैं ऑलरेडी। द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई वन। अब अगर ये एंगल थीटा है सो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा। अब मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल आर पी एस व्हाट अबाउट द टेन थीटा। यस यस, एस आर अपॉन पी एस। इसी टेन थीटा को आप एम कहते हैं स्लोप को, और एस आर का मतलब हो गया y माइनस वाई वन, पी एस का मतलब हो गया x माइनस एक्स वन। आप याद करें कि मैं एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करके आया हूं, एक एक चीज हमने और आपने डिस्कस किया है, और यही वो चीज है जो हमें चैंपियन बनाती है। हमारा डिस्कशन ही हमें चैंपियन बनाएगा, हमारा डिस्कशन ही हमें चैंपियन बनाएगा मेरे बच्चों। अब हम जब बात करते हैं यहां, तो मेरे पास आ गया y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। प्लीज, ये जो r है, x और y अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते रहेंगे, ये r कहां जाएगा? ये r डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेता रहेगा। क्यों? बिकॉज दिस r इज अ वेरिएबल पॉइंट, ये वेरी करेगा और आपकी पूरी की पूरी लाइन कंस्ट्रक्ट करेगा। अब हम इसमें आगे मूव करते हैं, व्हाट अबाउट द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। हम इंटरसेप्ट को क्या समझते हैं, ध्यान देना मेरे बच्चों। दैट इज, ये है मेरी लाइन और ये है पॉइंट ए जहां पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया। द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज ए कॉमा जीरो। अगर ये लेंथ ए है और इसने वाई एक्सिस को जहां कट किया, द प्लेस वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस, दिस इज द पॉइंट बी विच इज जीरो कॉमा बी, एंड दिस लेंथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन इज बी। दिस ए इज नोन एज योर एक्स इंटरसेप्ट। And this B is known as your y-intercept. So, if anything is given to us, हम क्या कहेंगे? If equation of line, in fact, oblique curve भी मैं बात कर दूं, if equation of line oblique curve is given, then for x-intercept put y is equals to zero। क्योंकि जो आपका x-intercept है, आप ध्यान दें इस पॉइंट a में y की वैल्यू जीरो है, तो जो भी आएगा उसे हमने स्मॉल a कह दिया। और कई बार हम इसे अल्फा भी कहेंगे, अलग अलग नामों से बात करेंगे। The second point for y-intercept put x is equals to zero। ध्यान रखना मेरे बच्चों कि ये बिल्कुल बेसिक से उठ रही है चीजें। जो 11th के बच्चे हैं या जिनकी कोऑर्डिनेट वीक है वो चैंपियन बनने की तरफ जाएंगे, जिनकी अच्छी है वो तो चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे। जब मैं वीकेस्ट को चैंपियन बनाने की बात कर सकता हूं, तो
तो जो अच्छा होगा वो तो चैंपियन बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन मेरे सामने आया कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। देखो मेरे बच्चों, लाइन भी एक कर्व है और बाकी जो भी हम ड्रॉ करेंगे दैट विल कम अंडर द कर्व। एक वेरिएबल पॉइंट होता है, वो जहां जहां मूव करेगा वो मूवमेंट कर्व रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो लाइन के फॉर्मेट में है तो लाइन है, अदरवाइज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कभी कभी साइनोसॉइडल कर्व और इन सब पर भी हमारी बातचीत होती है। अब हमारी बातचीत है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चों, हम बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। मैं कहां से क्या आया है इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। प्लीज, हमने आज बात किया था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है, फॉर x इंटरसेप्ट put y is equals to 0 in equation 1, y ko 0 rakh do, you will get your x as a x1 minus y1 by m. Isko aap a keh le, sometimes it is also known as alpha, whatever it may be, I don't have any problem. ये तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इनके कुछ भी नाम हो सकते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। जब आप x को 0 रखेंगे यू विल गेट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स वन। मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मूवमेंट में है। सो योर y इंटरसेप्ट, जिसे आप b कह रहे थे, मैं कभी इसे c भी कह सकता हूं। y इंटरसेप्ट b कह ले, c कह ले, दिस विल कम्स एज y1 माइनस एम एक्स वन, y1 माइनस एम एक्स वन। अब आप ध्यान दें प्लीज, मैं हमारे इस लाइन को चेंज करूं, जो लाइन मैंने यहां लिखी हुई है, प्लीज इसी चीज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन। आप ध्यान दीजिए हमने क्या कन्वर्ट किया है। अब आप यहां पर देखिए, इक्वेशन टू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं प्रूफ कर रहा हूं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है। यह है मेरा सी, इसका हमने नेम रख दिया, नामकरण कर दिया, विच इज सी। सो योर रिजल्ट इज वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि ये थी। हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। सो व्हाट अबाउट दिस थिंग, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है एंड y इंटरसेप्ट जिसका c है, 0, c से जो पास हो रही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चों, एक एक चीज का डेरिवेशन है आपके सामने और मैं मुझे पता है कि आप इसी से चैंपियन बनेंगे।
देखें हमारा इतने साल का अनुभव 18 ईयर एक्सपीरियंस मायने रखता है। मैं एक चीज कहता हूं कि एक्सपीरियंस जो चीज है उसे पता है कि आपको कहां से कैसे निकालना है। प्लीज अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए 2, -3 हूज स्लोप इज -3। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, y-y1 इज इक्वल्स टू m, x-x1, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप वैल्यूज को रख दें, यू विल गेट योर आंसर। चैंपियन, ये आपके 11th लेवल का क्वेश्चन है। अभी आप देखना कि हम कैसे IIT लेवल पे, जो हमने आज सेक्शन फॉर्मूला में पैराबोला वाला क्वेश्चन किया है वो IIT लेवल का क्वेश्चन है। जो लाइन वाला किया वो मेंस लेवल का क्वेश्चन था। हर चीज को बेसिक से उठा करके एडवांस तक पहुंचाना, यह है एक काम टीचर का। तो दिस इज योर y+3 इज इक्वल्स टू -3x+6, मींस 3x+y -3 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान देना, फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या करना है मुझे, बोले बोले एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है। बिल्कुल सुधीर, संदीप, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप y को 0 करेंगे x1 आ जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0, x को 0 करो, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसको आप a कह सकते हो, इसको आप b कह सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर वो इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस पूछ दे, इट माइट बी कि कोई आपसे पूछ दे कि इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस क्या होगा, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर ये a है, ये b है, तो इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज √a² + b² आप जो चाहें वो, बस डेफिनेशन को क्लियर रखो मेरे बच्चों। अब अगर मैं मेरे बच्चों बात करूं, आप इस फॉर्मेट को ध्यान दीजिएगा, ये एक जो फॉर्म है दिस इज नोन एज द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले हमारे सामने आता है 2-point फॉर्म ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 points px1, y1 एंड qx2, y2 इज। रिजल्ट इज दिस वन। मैं फिर एक ही बात कहूंगा, आया कहां से ये रहा मेरे बच्चों। अब तो आप चैंपियन हो चुके हो, आप खुद सोच सकते हो x1, y1 क्यू x2, y2। देखो 2 point देकर के वो मुझे देना क्या चाहते हैं ये समझे। मेरे पास मेनली लाइन के इक्वेशन के लिए स्लोप दे दो, पॉइंट दे दो, काम खत्म। तो उन्होंने स्लोप नहीं दिया है बट उन्होंने 2 point दिया है, तो कहीं ना कहीं देखो यही कोऑर्डिनेट के थॉट प्रोसेस डेवलप करने की बात है कि वास्तव में वो मुझे 2 point दे करके इनडायरेक्टली मुझे वो स्लोप देना चाहते हैं। आप देखें ये चीज, बिल्कुल सही कहा आपने, ये एस पॉइंट लिखूंगा विच इज योर x2, y1। बिल्कुल सही, शानदार स्लोप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सब लोग। इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 10 थीटा, दिस विल बी योर SQ/PS। हम इतने टाइम से यही करके आ रहे हैं। दिस इज योर y2 - y1/x2 - x1। अब 2 point दे रखे भाई, मुझे तो 1 point चाहिए था। मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, मैंने क्या बताया था y-y1 = m
एक्स माइनस एक्स वन। अब आप इस एम की ये वैल्यू यहां रख दें, जैसे ही आप एम की ये वैल्यू यहां रखेंगे आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। देखें आप, इसलिए मेरे बच्चों सोचना कि कोई चीज मुझे क्यों दी गई है, ये चीज हमेशा सोचना, और यही थॉट प्रोसेस आपकी कोऑर्डिनेट को अच्छा करेगा। अब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, चलो करो करो करो, निकालो, फाइंड द आंसर। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए 1, -3 एंड बी 4, -4, -6। दिस इज योर एक्स वन, लेट इट बी। दिस इज योर वाई वन, लेट इट बी। दिस इज योर एक्स टू, दिस इज योर वाई टू। फॉर्मूला लिख डालो शुरुआत में, जो बच्चे हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, जो ट्वेल्थ और ड्रॉप ईयर वाले सुन रहे हो उन्हें पता होगा, वो फटाफट स्पीड बनाने की कोशिश करें, और जिन्हें नहीं पता है वो मेरे साथ वर्क करें। y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 बाय माइनस 5 x माइनस 1 मीन्स माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 9 means 9x plus 5y plus 7 is equals to 0। ध्यान दें आप, sorry 6 is equals to 0। कहीं कोई दिक्कत। अब आप देखें, ये फॉर्मेट भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये फॉर्म हम जनरल फॉर्म कहेंगे। बिल्कुल एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, फटाफट बोलो, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, वाई को जीरो, सब कुछ y को जीरो कर दो, x इंटरसेप्ट आ जाएगा, और x को इंटरसेप्ट कर दो, y आ जाएगा। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय दिस वन। मैंने अब तक आपको दो एग्जांपल में यही बताना चाहा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है। ax plus by plus c is equals to 0, इसका नाम हमने रखा है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, दिस इज योर x by a plus y by b is equals to 1, वेयर a इज योर x इंटरसेप्ट एंड b इज योर y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। बात आती है सर होगा कैसे, देखो अब तक हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मेट पढ़ लिए इस फॉर्मेट पे, भाई इसका भी मैं प्रूफ कर दूंगा अभी, बट आज मैंने आपको किन किन फॉर्मेट्स पे बात किया है हम बात कर लें। भाई सबसे पहला फॉर्मेट था स्लोप पॉइंट फॉर्म, सेकंड फॉर्मेट था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड पॉइंट हमने लिया टू पॉइंट फॉर्म, और इस पेज पर मेरे पास दो फॉर्मेट हैं, जनरल फॉर्म एंड द फिफ्थ वन इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन की दो फॉर्मेट्स और होती है, नॉर्मल फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म।
नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन एंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, जिसे हम थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे। रीजन इस, यहां से हम वापिस से जो पॉइंट्स वाली चीजें चल रही है, देखो पूरा टॉपिक का नाम है आपका पॉइंट एंड लाइन, इसमें पॉइंट और लाइन एक साथ कवर होते चलेगा, क्योंकि इसका जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि बार बार आएगा, एंगल निकालना है, पैरेलल देखना है, क्या करना है, तो वो सारी बातचीत मुझे लाइन के लिए करनी है। इसलिए मैं आपके साथ लाइन की इन पांच फॉर्मेट्स पर भी बात करूंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी नॉर्मल फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको हम लेटर ऑन द स्टेजेस डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म आई कैसे, तो हम बात करेंगे इसके प्रूफ पर। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए 0, A, 0 एंड बी 0, B, ये है हमारे पास A, A, 0 एंड बी 0, B, टू पॉइंट फॉर्मेट निकाल दो फटाफट, फटाफट हो जाओ शुरू, फटाफट टू पॉइंट फॉर्मेट। y माइनस दिस इज योर x1, y1, दिस इज योर x2, y2, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, हाँ बिल्कुल सही, इट मींस माइनस ay इज इक्वल्स टू bx माइनस ab, मींस bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab। नाउ डिवाइड बाय ab, जैसे ही आप ab से डिवाइड करेंगे यू विल गेट x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रोसेस में मैंने जो आपको पढ़ाया है, जब हम 3D करेंगे, 12th वालों के लिए ध्यान देना, 12th वालों, अगर कोई 12th का कैंडिडेट भी ज्वाइन कर रखा हो इसने, तो 12th और ड्रॉप ईयर वाला समझ सकता है कि 3D में भी इस तरीके की चीज प्लेन में आएगी। इसलिए आपका एक एक एलिमेंट्री चीजें मस्त आएंगी, बिल्कुल सारी चीजें अच्छी तरीके से मूव कर रही हैं। उज्जवल का है कि भाई एक क्वेश्चन पूछूं, बिल्कुल उज्जवल, अगर आप पूछना चाहें, रेलेवेंट होगा तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। अब मेरे बच्चों, हम बात करना चाहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट, प्लीज हम क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 3 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंड y इंटरसेप्ट इज 4 यूनिट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान रखना, अगर इंटरसेप्ट लेंथ के बारे में बात की जा रही है तो लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। अब अगर मैं बात करता हूं तो x अपॉन माइनस 3 प्लस y अपॉन 4 इज 1, देखो लेंथ पॉजिटिव होती है बट a जो है अगर वो नेगेटिव x एक्सिस में कट कर रहा है, मतलब अब आपका ये पॉइंट है -3, 0, ये पॉइंट है 0, 4, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ओके। अब अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में देखना चाहूं तो 4x माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, दिस इज योर जनरल फॉर्म, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। अभी हम देखें अगर कि कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि अगर मुझे जनरल फॉर्म दिया जाए तो मैं उसका
श्लोक बता पाऊं, इसलिए इसका कन्वर्जन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म है मेरे पास एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज योर जनरल फॉर्म। जो निकालनी है वो भी साथ में लिख लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मैं मूवमेंट बनाता हूं, क्या मूवमेंट बनाऊंगा कि यहां पे देखूंगा कि y जो है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो भाई यहां भी मैं y को लेफ्ट हैंड साइड में रख दूंगा। देखिए आप, अब इसमें y का कोफिशियंट 1 है तो डिवाइड, इक्वेशन 1 बाई बी, इट विल बी योर y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। अब जब इस फॉर्मेट में आ गया और ये दोनों सेम हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी, विच इज द माइनस द कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ y। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे बच्चों, मेरे लिए, इसीलिए मैंने कन्वर्जन बताया आपको। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे स्लोप फाइंड आउट करने में, एंड दिस इज नोन एज योर y इंटरसेप्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। एक चीज आज हम और कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने जो चीजें आपको पढ़ाई हैं, एक से दूसरे में कन्वर्जन भी बता रहा हूं मेरे बच्चों। जनरल फॉर्म हम लिख लें, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है दैट इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। अब ध्यान दीजिएगा मेरे पास कैसे मैं कन्वर्जन देखता हूं। देखो, जो को बहुत सारे लोग कहते हैं सर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप बताते हैं, भाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम है क्या? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज नथिंग बट द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपलेस्ट वन। इफ वी आर एबल टू ब्रेक अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ सिंपलेस्ट प्रॉब्लम एंड इफ वी आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, देन ओनली वी कैन एबल टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आईआईटी कहीं से बहुत बड़ा हवा नहीं पूछती है, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को एक नए फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्मेट को देखना आना चाहिए। वही मैं डेवलप करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डेवलप दैट कॉन्सेप्ट, सो दैट यू विल बी अ रियली चैंपियन, यू आर अ चैंपियन। तो एक्स, मेरा सबसे पहला काम यह है कि यहां इक्वल टू के राइट हैंड साइड में वन है, तो मैं यहां भी वन बनाऊंगा। डिवाइड बाय माइनस सी, अब मैं बात करना चाहता हूं, इस जगह पे ध्यान दीजिए, एक्स इस डिवीजन साइन से ऊपर न्यूमरेटर में x का कोफिशियंट 1 है, तो मैं यहां भी वही चीज करूंगा। आप में से कुछ स्टूडेंट ये कह सकते थे कि सर हम x इंटरसेप्ट निकाल लें, y इंटरसेप्ट निकाल लें, फिर फॉर्मेट लिख दें। एग्री, डन, बिल्कुल सही कहा आपने, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो आज बेसिकली हमने जिन चीजों को पढ़ा है वो हमारे ये सभी फॉर्मेट्स हैं। हम एक क्विक रिव्यू करें, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन पढ़ा, आज हमने लाइन के पांच फॉर्मेट्स पढ़े, आज हमने ये भी पढ़ा कि ग्रेडियंट क्या होता है, आज हमने पढ़ा कि ग्रेडियंट एंड स्लोप दोनों सेम है, एक ही चीज के दो नाम है। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में बात की और जनरल फॉर्म का इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दोनों में कन्वर्जन पढ़ा। हमने ये भी देखा कि जनरल फॉर्म का स्लोप क्या होती है, उसके बारे में भी बातचीत की। मेरे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से चल करके एडवांस लेवल तक हम पहुंचेंगे, तभी मैं कहता हूं 11th भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा और एडवांस भी कवर होगा, हर फंडामेंटल क्लियर होगा, आप इन सभी चीजों के चैंपियन बनेंगे। और आपके लाइक्स मुझे मिल रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट थिंग, आप और लाइक देते रहिए, आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। एंड करियर पॉइंट का चैनल, जेई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें, आप ध्यान रखें, खुद का भी, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इंजॉय करें। पढ़ाई इंजॉय करते हुए अच्छी होती है, पढ़ाई को लोगों ने बोझ बनाया है, हम तो इंजॉय करते हुए काम करेंगे मेरे बच्चों। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, जस्ट चल, बाय बाय, कल मिलते हैं।